हाय, आई एम पारस टुटेजा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस फ्रीक्स इंडिया। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेट गेन के बारे में। यूजुअली पीपल बिलीव कि वेट लॉस इज ओनली टफ और वेट गेन इज इजी, बट इफ यू बिलोंग टू अ सर्टन बॉडी टाइप विच इज एक्टोमॉर्फ, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इफ यू बिलोंग टू दैट बॉडी टाइप, यू कैन रिलेट दैट वेट गेन इज इक्वली टफ। एज पर अ रीसेंट सर्वे, 1/4 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज अंडरवेट और स्किनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एड्रेस करने के लिए। यूजुअली पीपल डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, जस्ट लाइक वेट लॉस स्पॉट रिडक्शन इज अ मिथ। ऐसे ही वेट गेन में भी देयर इज नथिंग कॉल्ड स्पॉट गेनिंग। इफ यू बिलीव कि आप कुछ भी खाएंगे एंड पर्टिकुलर एरिया पे आपको वो फोकस करेगा, ऐसा नहीं है। वट एवर यू ईट दैट अफेक्ट्स योर होल बॉडी एंड वेट इक्वली यूजुअली पुट ऑन होता है, एक्सेप्ट योर फेस एंड योर एब्डोमेन एरिया, जहाँ पे जल्दी वेट दिखने लगता है। सो इट इज़ बेटर टू ईट हेल्दी। अगर आप लीन मसल या हेल्दी वेट गेन करना चाहते हो, इट इज़ बेटर टू कीप अ बैलेंस ऑफ योर न्यूट्रिशन। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, एंड वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टेप। नंबर 1, ईट एवरी 2 to 3 hours। सी द बेसिक रूल ऑफ वेट गेन इज कैलोरी सरप्लस। जितना भी कैलोरीज आप पूरे दिन में बर्न कर रहे हो या यूज कर रहे हो, मेक श्योर आप उससे 500 टू 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा ले रहे हो अपनी डाइट में। यू कैन डेफिनेटली गेन वेट थ्रू जंक फूड, बट जंक फूड इज नॉट अ गुड ऑप्शन, नॉट अ हेल्दी ऑप्शन, एंड इट कैन लीड टू सीरियस हेल्थ इश्यूज इन लेटर स्टेजेस। सो आई ऑलवेज प्रेफर हेल्दी ईटिंग। मेक श्योर आपके जो बेसिक मील्स हैं, आप 3 की जगह 4 हैवी मील्स लें 3-4 घंटे के गैप में। उसको ब्रिज करने के लिए, बीच में मंचिंग के लिए आप काफ़ी कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। आप अपने बेसिक मील्स को बैलेंस रखिए, मेक इट हाई ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ऐड गुड फैट्स, मेक श्योर यू एडिंग फाइबर टू इट सो दैट आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई रहे। बिटवीन दोज बिग मील्स यू कैन मंच थिंग्स लाइक सोक चना, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स या नट्स ऐड कर सकते हैं, ट्रेल मिक्सेस ऐड कर सकते हैं, यू कैन ऐड पीनट बटर सैंडविचेस, एनीथिंग विच इज हैंडी एंड यू कैन कैरी विद यू सो दैट आपका ज़्यादा लंबा गैप ना आए मील्स के बीच में। ईटिंग हेल्दी विल डेफिनेटली हेल्प यू विद मेंटेनिंग अ गुड बॉडी वेट एंड हेल्प यू विद योर लीन मसल गेन। नंबर 2, ऐड प्रोटीन शेक्स और वेट गेनर शेक्स टू योर डाइट। सी एज यू नो, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड प्रोटीन्स टू योर डेली डाइट। जो हम डाइट रेगुलर खाते हैं, इट इज़ वेरी हार्ड टू रीच दैट लेवल ऑफ प्रोटीन इनटेक जिससे हमारा डेली रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रोटीन शेक्स यूज़ करें या वेट गेनर्स यूज़ करें। दे आर हाई ऑन कार्ब्स एंड हाई ऑन प्रोटीन कॉन्टेंट, एंड इससे आपको बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिल जाता है। सेकेंडली, दे एक्ट एज अ फिलर, आपको एपेटाइट कंट्रोल करने में हेल्प करेगा और आपको भूख नहीं लगेगी। इफ़ यू आर ब्रिजिंग समथिंग 2 बड़े मील्स के बीच में, दे आर अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एंड इफ यू आर टारगेटिंग लीन मसल गेन और गुड वेट, सो इट इज़ अ परफेक्ट एड ऑन टू योर डेली डाइट। सो मेक श्योर यू आर ईटिंग हेल्दी एंड एडिंग प्रोटीन सप्लीमेंट शेक्स टू योर डाइट। नंबर 3, ऐड वेट ट्रेनिंग टू योर वर्कआउट रूटीन। इट इज़ बिलीव दैट वेट ट्रेनिंग इज ओनली हेल्पफुल फॉर पीपल हु आर टारगेटिंग बॉडी बिल्डिंग और वेट लॉस, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर अंडर वेट। सी, वेट ट्रेनिंग हेल्प्स यू विद गेनिंग स्ट्रेंथ, इट विल हेल्प यू गेट इन शेप एंड अल्टीमेटली हेल्प यू विद योर लीन मसल गेन। सो 3 to 5 days ऑफ इन अ वीक वर्कआउट रूटीन इज सफिशियंट फॉर यू गाइज, सिंगल बॉडी पार्ट इन अ डे। एंड मेक श्योर आप कार्डियो बहुत एक्सेस में नहीं कर रहे हैं। 5 to 10 minutes of cardio in the beginning of your workout, just as a warm up, is sufficient for you guys, so that जो आप calorie surplus target कर रहे हैं, वो disturb ना हो। Loading carbs 15 to 30 minutes before workout will help you with good energy during your whole workout routine. Number 4, don't drink too much water before or during your meal. इससे आपका stomach बहुत जल्दी fill up हो जाएगा and it will make it really hard for you टू रीच दैट कैलरी इनटेक लेवल। अगर आपने पानी पीना है तो या तो आप मील के 30-40 मिनट्स पहले ले सकते हैं या 30-40 मिनट्स बाद ले सकते हैं। जस्ट ट्राई एंड अवॉइड कि आप मील से जस्ट पहले या ड्यूरिंग द मील वाटर इनटेक ज़्यादा ना करें। नंबर 5,
Last but definitely one of the most important tips, get enough sleep. With this busy lifestyle we all have these days, it is really hard to maintain a good sleep cycle. But agar aap weight gain target kar rahe ho, to body ko pura rest milna is very important. So 8 to 10 hours of sleep every day is a minimum requirement for your body. So aapki body jaldi recover kare and you get enough time for your muscle growth. Agar aap healthy weight gain target kar rahe hain, then make sure that you're getting enough sleep in a day and you're not overtraining your body. A bonus tip for you guys, if you are a regular smoker, then just cut down on your smoking, because smoking will not help you with your weight gain. It will increase your metabolic activity and it's not recommended. I hope aapko ye video pasand aaya. If it was helpful, don't forget to like, share, comment. Agar aapne channel abhi subscribe nahi kiya hai, then do subscribe to my YouTube channel and don't forget to press the bell icon. Until next time, stay fit. See ya.